आज हम डिस्कस करेंगे दिस कीवर्ड के बारे में सबसे पहले, देन उसके बाद क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें हम लोग कवर करेंगे। देन आफ्टर दैट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे सेकेंड सेशन में आज ही। एंड दैट्स इट, आज का जो सेशन होगा हम लोग पहले दिस कीवर्ड, देन क्लास, देन ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे प्रोटोटाइप एंड प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से काम करेंगे। और फाइनली इसके अंदर भी दिस कीवर्ड्स, टेक टर्म्स, वो जो टेक्निकल टर्म्स होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दिस कीवर्ड के लिए। यहाँ पे दिस कीवर्ड अगर हम लोग ग्लोबल यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग ग्लोबल यूज करते हैं तो दिस का मतलब होता है विंडो ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी क्लास के अंदर व्हेन वी यूज इनसाइड क्लास देन इट विल बी क्लास ऑब्जेक्ट, ये क्लास का इंस्टेंस होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई ग्लोबली अगर हम लोग एक्सेस करेंगे तो किसका ऑब्जेक्ट रहेगा, दिस का मतलब क्या होगा, दिस का मतलब क्या होगा, जब ग्लोबली अगर हम लोग दिस यूज करेंगे तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, क्लास ऑब्जेक्ट नहीं, ये देखो पहला वाला है, अगर ग्लोबल होगा तो ये दिस अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर क्या अवेलेबल होगा, विंडो ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी क्लास के अंदर जैसे कि लोकल अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम लोग लोकल कहेंगे, क्लास या फंक्शन के अंदर दिस का इस्तेमाल करेंगे तो क्लास ऑब्जेक्ट, लोकली अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो दिस जो है उसके अंदर क्या होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं ऐसे इस्तेमाल करूं दिस तो इसके अंदर क्या होगा, क्या होगा दिस के अंदर, क्या समाएगा दिस के अंदर, ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, हमने कहा ऑब्जेक्ट, ये दिस जो है जब बाहर इस तरीके से ग्लोबल यूज किया जाए तो क्या होगा, ये आप मुझे देख के बताओ, विंडो ऑब्जेक्ट। मैं इसे रन करके दिखा देता हूं, कंसोल में कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, विंडो क्यों दिखाई दे रहा है, इसका रीजन क्या है कि हमने ये ब्राउजर पे खोला है और ब्राउजर पे आगे हम लोग जो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो ब्राउजर आपने जो ओपन किया है, ब्राउजर के अंदर सबसे पहले होती है ये पहली विंडो, उसके बाद ये दूसरी विंडो, इसके बाद ये तीसरी विंडो, है ना, ऐसे फिर विंडो के अंदर होता है आपका पूरा पेज जिसे हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो हम लोग क्या कहेंगे, जो ये पूरा जो है सॉफ्टवेयर जहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रही है जावास्क्रिप्ट की, उसे कहा जाता है ब्राउजर,
और ब्राउजर के अंदर डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है विंडो, तो इसीलिए जब हम लोग दिस करेंगे तो उसके अंदर क्या अवेलेबल होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा अवेलेबल? विंडो। विंडो। अभी इतनी सारी चीजें हैं विंडोज के अंदर जो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे, इसे खत्म करेंगे। ये सारा डेटा मैंने कुछ भरा है क्या विंडोज ऑब्जेक्ट में? ये बाय डिफॉल्ट वाली चीजें है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूं, अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल मैं बना लेता हूं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है? यस सर। हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, पहला तरीका क्या है ऑब्जेक्ट बनाने का? बायलिटरल, लेट जो भी आपका वेरिएबल नेम है वो इक्वल टू नेम एन वैल्यू, सागर सैलरी, ठीक है। ये तो अभी अगर मैं दिस करूं यहां पे, अभी दिस तो डायरेक्टली कर नहीं सकता, मुझे कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, माय फन करके कोलन फंक्शन, बिना नाम वाला फंक्शन ले लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूं और दिस लिख देता हूं, तो ये दिस में क्या होगा? क्या होना चाहिए इस दिस के अंदर? क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है अभी आपका करंट? क्या वो ईएमपी ऑब्जेक्ट होगा? रन करके मैं यहाँ पे आपको दिस तो दिखा दिया है, मैं कंसोल डॉट लॉग भी किया है, आप देख करके बता दो ईएमपी। बस अभी यही जानना है कि दिस के अंदर होता क्या है, अगर हम बाहर यूज करेंगे तो क्या होगा, ताकि आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ कर लेगा। सॉरी माय बैड, ये फंक्शन है, क्या नाम का फंक्शन है आपका? माय फोन। इसे कॉल किया क्या हमने? नहीं। जब तक किसी फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसीलिए हमने इसे कॉल कर लिया। मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? EMP. और EMP dot myfun. myfun क्या है आपका? myfun क्या है आपका? बोलिए myfun क्या है? फंक्शन। यस, इतना ही तो चाहिए मुझे। क्या आया इसके अंदर बताओ, क्या प्रिंट किया उसने? माय फोन, माय फोन। सब कुछ पास किया था, सब कुछ मिला आपको, तो मैं दो लाइन लिख के दे देता हूँ आपस को। जब ग्लोबली दिस हम लोग यूज करेंगे तो उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? विंडो ऑब्जेक्ट। हाँ, अभी हम लोग क्लास के बदले करंट ऑब्जेक्ट होगा। अगर लोकली यूज करेंगे तो उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा? करंट ऑब्जेक्ट। तो आप जहाँ पे दिस इस्तेमाल कर रहे हो वो कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर है? तो इसके अंदर ये दिस का मतलब क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? इस दिस के अंदर क्या होगा? यस, इतना ही आपको समझना है, बस इतना ही समझना है। माइफन कॉलन दिया अपन, वो ऐसा भी लिख सकते हैं सर, फंक्शन माइफन, जो ये बने ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा ना, इसलिए हम लोग की पेयर वैल्यू में लिखते हैं ना, नेम और उसकी प्रॉपर्टी है तो वैल्यू, फंक्शन है तो फंक्शन, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। आप बाकी किसी नाम का लिखना चाहते हैं, आप किसी नाम का लिखो। आप नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो फंक्शन हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं सर, फंक्शन माइफन, उसके बाद ये हम ये नहीं देते ना, ये बोल रहा हूँ मैं, कॉलन। कॉलन नहीं देते ना? नहीं देते, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, इसलिए ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, इसीलिए हम लोगों ने बनाया ऐसे, क्योंकि इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट का लिखने का तरीका ऐसे है ऑब्जेक्ट के अंदर के वाले। बस इतना ही था ये दिस का एज ऑफ नाउ आप लोगों के लिए। क्या क्या यूज होता है इसके अंदर, दिस के अंदर? एक अगर बाहर रहेगा तो विंडो ऑब्जेक्ट होगा, एचटीएमएल से अगर हम लोग खोलेंगे तो और किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा,
या किसी क्लास के अंदर भी होगा तो करंट ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा, वो करंट ऑब्जेक्ट के बारे में वो बताएगा ये क्या क्या वैल्यूज है उसके अंदर। ये दूसरा था, ठीक है। तीसरा ये है कि जब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग यूज करेंगे, अभी कंस्ट्रक्टर क्या है ये भी हम लोग देखेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम लोग दिस यूज करेंगे तो वो रेफर करता है करंट एम्प्टी ऑब्जेक्ट, जो भी करंट ऑब्जेक्ट हो उसका, जैसे कि पर्सन इक्वल टू एम्प्टी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा रेफर करेगा ये। चलो अभी इसमें आप लोग पूछो कुछ डाउट, ये रूल है मतलब कि ग्लोबल है तो विंडो रहेगा, लोकल है तो जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर है उसका इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर है तो करंट एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। क्या आप लोगों को ये क्लियर है तो आगे बढ़े, नहीं yes, तो sir. आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपकी क्लियर है सर। भक्ति, दिव्या, विशाखा, अबरा, क्लियर है सर, ठीक है। अब क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लास एक तरीके का इसके अंदर फंक्शन ही है। क्लास के बारे में मैं अगर बता दू तो इट इज लाइक अ फंक्शन बट वी कैन यूज फॉर मैनेज कोड बेटर वे। चलो अब ये तो एक डेफिनेशन हो गई जावास्क्रिप्ट के हिसाब से। अब मैं आप लोगों को अपना नॉर्मल तरीके से बता देता हूं कि स्टेटमेंट क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल डेटा टाइप ऑपरेटर, बराबर। व्हाट इज अ फंक्शन? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। What is a class? Combination of functions. Properties nothing but the variables. ठीक है। तो class एक real time ब्लूप्रिंट है या एक नक्शा है जिसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए हम लोग बना सकते हैं उसको और उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी क्लास के बारे में समझने के लिए मैं पेंट की स्क्रीन यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी है सीवी की, बायोडाटा पता है ना, मैं बायोडाटा लिखता हूँ, सबको पता है बायोडाटा पता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मान लो ये बायोडेटा मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि नेम और उसकी जो वैल्यू है वो मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ एज ऑफ नाउ, ठीक है, ऐसे ऐसे बनाया मैंने। देन उसके बाद लेट्स सी, बायोडेटा के बाद दो और फील्ड बताओ, बस डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए चाहिए और लास्ट वाला चीज मोबाइल नंबर तो चाहिए, आजकल बहुत ही अनिवार्य चीज है वो, ठीक है। अब मुझे आप सब लोगों के बायोडाटा बताएं, कितने लोग हो आप अभी अजफना? 21 टोटल मैं पकड़ के 22। तो मैं पहला अप्रोच है कि ओरिजिनल फाइल ले लूंगा, इसके अंदर मैं मेरा नाम लूंगा संतोष, डेट ऑफ बर्थ सो एंड सो एक्स एक्स वाई वाई जी जी, मोबाइल नंबर एक्स वाई, और वापस से और एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, वापस से और एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा,
जिसका नाम रखूंगा मैं बायोडेटा टू देन नेम कोलन, इस तरीके से बनाते जाऊंगा मैं, जैसे कि DOB। ऐसे कितने लोगों का बनाना है मुझे अभी? 21। कितना टाइम लगेगा मेरे को ये बनाते बनाते? ज्यादा रहे लगेगा ना टाइम, मतलब पूरा सेशन तो चला ही जाएगा, है ना? पूरा सेशन चला जाएगा इसमें से। क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? क्या कुछ मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये ओरिजिनल कॉपी रहेगी, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट बना के जितने भी लोग चाहिए बाईस जनों का, तो कितना टाइम लगेगा मेरे को? और इसके अंदर अलग अलग डेटा फिल करूंगा बाय यूजिंग फंक्शन। मतलब आप लोगों को क्या लगता है, मैं इसे एक टेम्पलेट बना दिया मैंने ओरिजिनल, और फिर बाकी लोगों को कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा मैं, तो ये ज्यादा तरीका सही रहेगा या पहले वाला कि हर बार मैं नया ही बनाते जाऊंगा टेम्पलेट? कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो इसी टर्म को समझते हैं, ये जो ओरिजिनल वाली चीज होती है इसे हम लोग कहते हैं क्लास, और जो हमने इधर अभी कॉपी पेस्ट किया है उसका, उसे कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे उसे हम लोग ऑब्जेक्ट। इसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि पहला डेटा है B1 या स्टूडेंट वन, लेट्स सी S1 नाम का मैंने बनाया, इसके अंदर लिखा मैंने विशाखा, ठीक है। मैंने अभी दूसरा भी बनाया जिसके अंदर लिखा मैंने वैभव, लेट्स सी। अभी कंफर्टेबल है आप लोग? मतलब कंफर्टेबली हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करके जितनी भी चीजें हैं वो चाहिए इस तरीके से। तो क्लास एक ओरिजिनल टेम्पलेट होता है जिसके अंदर कल जाके अगर मुझे कुछ फील्ड को ऐड करना हो ईमेल, तो अभी क्या मुझे सारे फील्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैंने ओरिजिनल में चेंज कर दिया तो सभी जगह पे ऑटोमेटिकली वो फील्ड क्या होगी? ऐड हो जाएगी। अगर मैं कहीं से भी रिमूव करूंगा कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट में की जो डिटेल्स थी वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। अभी मान के चलो कि आप स्टूडेंट हो, अभी आप क्या एक ही स्टूडेंट हो? नहीं, स्टूडेंट्स, मेन स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं एक ही स्टूडेंट का क्लास बनाऊंगा, मतलब ओरिजिनल, उसके अंदर जो जो स्टूडेंट की फील्ड चाहिए वो ले लूंगा, और उसकी जो कॉपी बनाएंगे, कॉपी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर वो उस तरीके से वैल्यू भरते जाएंगे जितने आप लोग हैं उतने। तो ये है ओरिजिनल टेम्पलेट इज अ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉपी इज अ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर आप वैल्यू भर भर के इस्तेमाल कर सकते हो, दिखा सकते हो आगे चल के। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है या फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना है आप लोगों? कैसे बनाना है मैं कोड के थ्रू दिखाऊंगा आपको इसमें। क्लियर है सर। बाकी लोग? फैजल सर, सर मेन वाला क्लास है कि कॉपी वाला क्लास है सर? मतलब नहीं नहीं ये मेन वाला क्लास है, कॉपी वाला ऑब्जेक्ट है। कॉपी वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? ये मैंने कॉपी पेस्ट किया ना इसके लिए, इसे क्या, ये सारे जो कॉपीड है उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। फैजल है क्या? आज फैजल ने छुट्टी ली क्या? अरे यार चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग है। तो इसे करके दिखाऊं मैं, बायोडाटा का एग्जांपल ले लूं? यस सर।
मैंने फाइल का नाम अलग लिया जानबूझ के, मैं सेम भी ले सकता था लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो कि सेम ही लेना होगा कि, इसलिए नहीं दिया मैंने। यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, शो बायोडेटा कुछ भी नाम, पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बनता है क्या हमारा। कंसोल डॉट लॉग बस टाइपो हुआ है, ठीक है। अब इसका क्लास बनाया, क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया। अभी तक मैंने कुछ डेटा नहीं लिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम DOB, क्योंकि सिंपल तरीके से हम लोग देखते जाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का दूसरा तरीका क्या है। पहला पहला तरीका कौन सा था, बायलिटरल। ऑब्जेक्ट बनाने का पहला तरीका कौन सा था, बायलिटरल। अब दूसरा तरीका क्या है, बाय न्यू कीवर्ड। बायलिटरल कैसे आप लोग करते थे, बायलिटरल आप लोग ऐसे करते थे, लेट एमपी इक्वल टू ऐसे ऐसे करते थे, बराबर ना। ये जो है आपका बायलिटरल था। अब न्यू से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले वेरिएबल लेते सेम। देखो मैंने यहाँ पे लेट ईएमपी लिया है, यहाँ पे आप B1 ले लीजिए सेम, लेकिन यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे आप, न्यू B1 नहीं, B1 नहीं रहेगा। क्लास का नाम क्या है, बायोडेटा। तो ये बन गया आपका पहला ऑब्जेक्ट। आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना हो B2, तो आप क्या करोगे, सेकंड कॉपी न्यू क्या लिखोगे, बायोडेटा। टू नहीं लिखने की जरूरत, क्लास का नाम हमेशा लेट B3 या C1 जो भी नाम कुछ भी दे सकते हो आप, न्यू बायोडेटा। बायोडेटा क्लास का नाम ही आपको देना है बस। तो यहाँ पे आप लोगों ने बायोडेटा क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनाए, तीन। और आप कितने बना सकते हैं, अनलिमिटेड, नो मतलब कोई लिमिटेशन है नहीं, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतने बना सकते हैं, जितके जितनी आपके कंप्यूटर की मेमोरी है और बना सकती है उतनी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आपने अभी क्लास कैसे बनाना है, और क्लास जो है कैसे रन करना है ये भी सीखा है, क्लास कैसे बनाना है, क्लास किस तरीके से उसके ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ये दोनों चीजें देखिए आपने। या वापस से बना के दिखाऊं अभी आप लोगों को, जैसे कि मैं बनाता हूं एम्प्लॉय, क्लास एम्प्लॉय, इसके अंदर मैं बना लेता हूं एक फंक्शन, फंक्शन यार डायरेक्टली फंक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं इसके अंदर, ये भी एक ब्यूटी है इसकी कि आपको लिखने की जरूरत है नहीं। console.log दिस इज शो फंक्शन। अब मैं दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कितने ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट कैसे बनाना होगा मुझे ऑब्जेक्ट बताइए, लेट एम्प्लॉय वन, लेट एम्प्लॉय इज इक्वल टू एम्प्लॉय, इक्वल टू न्यू न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ये बन गया ऑब्जेक्ट। अभी अगर मुझे उसके अंदर के फंक्शन को एग्जीक्यूट करना हो तो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, T1 डॉट, डॉट लगा के आप उसके अंदर जितना भी कुछ है वो सब एक्सेस कर सकते हैं। अभी मुझे फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है, रन कौन सा करना है, शो, तो मैं यहाँ पे शो और ये फंक्शन है इसलिए, तो क्या ये अभी एग्जीक्यूट होगा, यस सर। ओके अभी मुझे और ऑब्जेक्ट चाहिए, लेट्स सी, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट T2 इक्वल टू न्यू न्यू एम्प्लॉय एम्प्लॉय T2 डॉट शो को एग्जीक्यूट करना है। तो ये कितने बार शो एग्जीक्यूट होगा अभी, टू टाइम। ठीक है अभी आप लोगों को इसके अंदर लेकिन फील्ड भेजिए क्या, मैंने कुछ कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, कुछ प्रॉपर्टी दी है क्या, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल
वो भी नहीं लिया। तो अभी अगर मुझे चाहिए किसी क्लास के अंदर अगर मुझे प्रॉपर्टीज लेनी है तो मुझे एक स्पेशल फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, और वो फंक्शन का नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर। इट इज यूज टू define or initialize properties, object properties. ठीक है, और लिखते कैसे इसे? लिखते कैसे इसे? आपको क्या करना होता है इसे लिखने के लिए? कंस्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इमेज क्लास नेम नहीं, तो जावास्क्रिप्ट में हमेशा लेना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। ऐसे बस, दैट्स इट। अभी आपके पास कोई प्रॉपर्टीज है, फील्ड है, ऐसे वेरिएबल है आपके पास? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐसे कुछ है? नहीं सर, नहीं है। तो हम लोगों ने दिस में पढ़ा था कि अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस यूज करेंगे तो वो करंट ऑब्जेक्ट का एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देगा। करंट क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉई है, तो इसका एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। कौन क्रिएट करके देगा ये ऐसा एम्प्टी ऑब्जेक्ट? कंस्ट्रक्टर नहीं, कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कीवर्ड करके देगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट? कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किस लिए होता है कि एम्प्टी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे कंस्ट्रक्टर विल ऐड प्रॉपर्टीज इनसाइड एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइज, मतलब दोनों काम करेगा। दिस क्या रेफर करता है? एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और कंस्ट्रक्टर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या भर सके? प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो वेरिएबल हो उसे हम लोग प्रॉपर्टीज के डेटा वो भर सके, उसके अंदर हम लोग वैल्यू भर सकते। अभी ये जो दिस है, अगर आप तो दिस में आपको क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए बताइए अभी। मतलब मुझे जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है, फर्स्ट नेम कोलन नल, यहाँ पे दिख रहा है आपको फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू नल, इस तरीके का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? दिस डॉट फर्स्ट नेम कोलन नल। तो ये इंटरनली कैसे बनेगा? ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर पहली फील्ड बनेगी और उसको मैंने क्या असाइन किया हुआ? नल। तो इस तरीके से, अरे यार ये ऐसे आएगा, इक्वल टू आएगा। नॉर्मल लिटरल वाले ऑब्जेक्ट में कोलन आता है और क्लास वाले ऑब्जेक्ट में इक्वल टू आएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मुझे कॉमा देके दूसरा चाहिए, लास्ट नेम कोलन, ये भी मैं बाद में भरूंगा नल। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? और मुझे क्या चाहिए अभी यहाँ पे? इसके बाद मुझे डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, कॉमा डी ओ वी, एंड मैं वो भी नल रख रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? दिस डॉट डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू दिस डॉट डी ओ वी इक्वल टू नल। मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू भरते जाऊंगा, ये मान लो एम्प्टी वाला जो ऑब्जेक्ट है इंटरनली जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसे रेफर किया है? दिस इज बिलोंग टू द एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अभी ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है क्या कंस्ट्रक्टर के बाद? नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंने कितनी वैल्यू ऐड की है, देखो, यस, थ्री वैल्यू मैंने ऐड की, यानी कि तीन की जो है मैंने ऐड की। अब मैं यहाँ पे शो में प्रिंट करना चाहता हूँ फर्स्ट नेम। तो मैं अगर दिस डॉट फर्स्ट नेम करूँ, दिस डॉट लास्ट नेम करूँ, दिस डॉट डी ओ बी करूँ, तो एग्जीक्यूशन के बाद फर्स्ट नेम में क्या भरा है?
null. लास्ट नेम में क्या भरा है? null. DOB में क्या भरा है? null. तो T1 employee का जो डेटा है शो फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं तो वो क्या दिखाए डिस्प्ले करेगा T1 का? null. इसका भी क्या डिस्प्ले करेगा? मैं एक ही ले लेता हूँ टी डॉट शो. देखो एक बार क्या शो करेगा. null values. क्या शो किया इसने? तीन बार null. अगर मैं इसके बदले में नाम लिखता हूं ठीक है तो अब ये क्या शो करेगा? भक्ति पाटिल वाई वाई भक्ति पाटिल वाई वाई एम डी डी बराबर शो किया. अगर मैं इसके बहुत सारी कॉपी बना लेता हूं लेट टी टू न्यू एम्प्लॉय और टी टू शो करूंगा तो ये सेकंड एम्प्लॉय के लिए क्या दिखाई देगा? नल. देखो जरा ध्यान से देखो सेम आएगा सो. क्योंकि कंस्ट्रक्टर में मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर ये वैल्यू हार्ड कोडेड ही की है. देखो मैं कितने बार भी अगर मैं इसका कॉपी बना दूंगा लेट टी थ्री न्यू एम्प्लॉय टी थ्री डॉट शो ये क्या शो करेगा हमेशा? अब सेम क्या हमें हर कॉपी को सेम ही डिटेल्स चाहिए या हमें अलग अलग डिटेल चाहिए? अलग अलग. तो कैसे भर सकते हैं हम लोग अलग अलग वैल्यूज के अंदर? कंस्ट्रक्टर में इंस्टेंट. अगर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर देखे अगर हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर लिए ए बी एंड सी इसके अंदर हमने ए वैल्यू सेट की लास्ट नेम के अंदर हमने लेट्स सी बी वैल्यू सेट की इसके अंदर हमने सी वैल्यू सेट की. अब ये कंस्ट्रक्टर का जब कॉल होता है कब कॉल होता है? जब हम लोग न्यू एम्प्लॉय करते हैं. तो टी वन में हमने ये ए के लिए कुछ वैल्यू पास की है क्या? नहीं. ये क्लास को कॉल करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. क्या हमने ए को कोई वैल्यू पास की है अभी? No. No. चलो मैं ए को पास कर देता हूँ. अभी टी वन के लिए मैंने ए में क्या वैल्यू पास की है? विशाखा. तो मैं टी वन को ही अभी एज ऑफ नाउ प्रिंट कर देता हूँ. तो टी वन का जो फर्स्ट नेम है वो क्या दिखाएगा? विशाखा. लेकिन लास्ट नेम एंड डीओबी क्या दिखाएगा? जब वेरिएबल डिफाइन नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर क्या होता है? अनडिफाइंड. तो फर्स्ट नेम क्या दिखाएगा? विशाखा. लेकिन लास्ट नेम एंड डीओबी अनडिफाइंड. बराबर है? यस सर. अब मैं विशाखा के बाद मैं टाइप कर देता हूँ यम पास कर देता हूँ लेट्स सी डेट ऑफ बर्थ वाई MMDD. तो अब क्या दिखाई देगा? विशाखा एम वाई एम अनडिफाइंड नहीं टी वन के लिए. देखो टी वन के लिए सॉरी टी वन के लिए मैंने क्या भेजा? देखो यहाँ पे टी वन के लिए मैंने देखो टी वन के लिए मैंने क्या भेजा? विशाखा ए में भेजा. विशाखा भेजा है तो ये ए की वैल्यू फर्स्ट नेम में जाएगी. M की वैल्यू जो है वो लास्ट नेम में जाएगी. YYMMDD जो है वो DO में जाएगी. और यहाँ पे मैंने क्या दिखाया? फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड DOB ऐसे. लेकिन टी अगर मैंने यहाँ पे मान लो अब यहाँ पे मैं टी टू शो कर देता हूँ क्या मैंने टी टू के अंदर कोई डेटा पास किया है? नो. अगर मैं टी टू डॉट शो करूंगा उसे कॉल करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? undefined.
करे आप ईरानी से? देखो क्यों अनडिफाइन आया, क्योंकि एबीसी में हमने कोई वैल्यू पास नहीं की है, पैरामीटर में वैल्यू पास नहीं की थी। अभी एबीसी देखो, जब एम्प्लॉई का बात आता है और मैं कुछ डेटा पास कर देता हूं, है ना, कॉमा, तो ये यहाँ पे क्या हिंट क्या देता है? ए की वैल्यू फेल की, बी बी सी, ऐसे दिखाई देता है, बराबर। पैरामीटर को कौन सी वैल्यू जाएगी, हाँ ये दिखा रहा है। लेकिन एबीसी आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो हमेशा हमें बेटर तरीका क्या होता है कि यहाँ पे आप इस तरीके से नाम लिखो, ताकि जब कोई नया आदमी आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया यहाँ पे, ऐसे। तो नेमिंग कन्वेंशन अच्छे से ही रखो, एबीसी मत रखो कभी भी। मैंने अलग अलग क्यों रखे थे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि सेम सेम नाम क्यों रखा है। लेकिन ये सेम सेम नाम इसलिए रखा हूं ताकि जब उसे हिंट दिया जाए तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाए। अभी देखो मैं कोड ये कर लेता हूँ तो तुरंत पता चल जाएगा, अरे पहली वाली फर्स्ट नेम थी, अभी दूसरी वैल्यू मुझे क्या पास करना है, लास्ट नेम, तो मैं तुरंत पास कर दूंगा DOB, let's see, MMYY, DD, जो भी है। तो मुझे ये मोर रीडेबल क्या है, ये है, पहला वाला भी चल जाएगा एबीसी। अब मैं T2 डॉट शो करूं तो क्या होगा? उत्कर्ष पाटिल MMYY DD। तो आपके अभी अलग अलग कॉपीज में डेटा भरा जा रहा है अलग अलग तरीके से। yes, तीसरा है, अब दिव्या देखो यहाँ पे हिंट भी आ रहा है ना कि हमें ये भेजना है। T3 आप क्या दिखाई देगा? उत्कर्ष और दिव्या का नाम। मैंने T2 को हटा दिया अभी, दिव्या। अभी अगर सारे ऑब्जेक्ट को मैं कॉल करूं तो सब आ जाएंगे, अभी प्रिंट होंगे सारे। तो क्या अभी हम लोग इस तरीके से अलग अलग कॉपी बनाते हैं तो अभी हमारा काम हो रहा है? yes. जो पेंट में ये कंसेप्ट समझी है, ये वाली चीज मैंने ओरिजिनल की कॉपी की है, वही और यहाँ पे अवेलेबल होगी। अभी जैसे कि मान लो कि मैंने और एक फील्ड ऐड कर दी है, दिस डॉट ईमेल, लेट्स सी, कुछ भी उसे कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है, सब जगह पे अवेलेबल होगी वो। अगर मैं देखूंगा ना तो ऑल ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है। कैसे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को? मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर खोल के दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, और कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो T1, तो क्या ये आया रहेगा यहाँ पे? चेक करें यहाँ पे एक बार, डॉम में सही से दिखता है इसलिए मैं डॉम में ओपन कर देता हूं। क्या वो जो नई फील्ड है वो आ चुकी होगी? देखो एम्प्लॉय को मैंने प्रिंट किया है, रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, सॉरी, इसे हमें सेट करना बाकी रहेगा शायद से। अब बताओ। यस सर आया है। आया क्या कहीं पे? यस सर। यस सर। मतलब हर ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। अभी ये दिव्या और ये इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे उसे शो मेथड में दिखाया नहीं। दिस डॉट ईमेल। ईमेल। तो सब जगह पे क्या दिखा रहा है? नल। 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 क्यों नल दिखा रहा है? क्योंकि मैंने फोर्थ वाली जो वैल्यू थी वो भेजी नहीं उसे, v@gmail.com, u@gmail.com, ऐसे। इसे एक बार
रन कर लेते हैं सर। अपन वर्ती पैरामीटर ते सर तेरा वैल्यू असाइन नल के ओ ओ सॉरी सॉरी माय बैड माय बैड माय बैड थैंक यू ईमेल एंड ईमेल 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 ऐसे अब आ जाएगा ये सर। इफ दिव्या का क्या आया अनडिफाइंड आया क्यों क्योंकि वहां पे हमने वैल्यू नहीं दी कोई पैरामीटर पास नहीं वैल्यू पास नहीं किया वैल्यू पास नहीं हुई ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम हां इथे तो आपको यहां पे पास नहीं किया देखो इसलिए नहीं मिला d@gmail.com ये चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी होती है। That's it. तो आप क्लास का इस्तेमाल करके भी आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो और अगर आपको दिस कीवर्ड का भी इस्तेमाल करना होता है यहाँ पे कंपलसरी। जावा में क्या होता है ना कि अदर लैंग्वेजेस में ना पहले वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ते हैं ऐसे, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो करने की जरूरत नहीं, वो कंस्ट्रक्टर सब करके दे देता है और कंपलसरी आपको ये यूज करना है। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, अब